जीवन संसार को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन संसार में। दोस्तों आज हम जानेंगे दांत कात खुजली को ठीक करने का घरेलू उपाय के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। दांत त्वचा के ऊपर एक परत की तरह होती है। यह एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में बड़ी ही आसानी से हो सकती है। यह एक परत त्वचा पर गोल और लाल शकटते की तरह दिखाई देती है। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली और जलन होती है जब भी आपको इससे समस्या देखी जाती है। यह बड़ी आसानी से दोस्तों संक्रामक की तरह काम करती है। अगर आप जिस व्यक्ति को इसी समस्या हो रही है उसका कपड़े भी उठा लेते हैं तो भी आपको दांत होने की समस्या, आपको खुजली होने की समस्या बहुत ही ईजिली हो जाती है। और दोस्तों जब आपको इसी समस्या होती है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप ईजिली कुछ भी काम नहीं कर पाते, आपको हर जगह खुजली होती है और आपको बहुत ही गंदा लगता है कि अगर आप बाजार में जा रहे हैं या कहीं भी किसी से मिलने जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको खुजली होती है उस जगह, तो आपको बहुत ही गंदा लगता है। तो दोस्तों इसके कुछ कारण भी होते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं कि आपको दांत का खुजली के क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों दांत एक फंगल के संक्रामक के कारण हो सकता है। दोस्तों अगर आपके पास जानवर है और उसको दांत की समस्या है और आप उसको छूते हैं तो आपको ऐसी समस्या होती है, आपको जानवर से भी दांत का खुजली की समस्या होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति ने कहीं छुआ है और आप भी उसी जगह उसको छू लेते तो भी आपको दांत का खुजली की समस्या होती है। कई बार देखा गया कि दोस्तों लोग जिम जाते हैं और जिम जाने के बाद वो बात नहीं लेते तो कुछ टाइम बाद वहाँ पे नमी होने के कारण भी आपको दांत की समस्या होती है, वो बहुत लंबे समय तक रहती है। अगर आप साफ अच्छे से कपड़े नहीं पहनते, धुले हुए कपड़े नहीं पहनते, बार बार रिपीट कपड़े करते हैं तो भी आपको दांत की समस्या होती है। इसके अलावा अगर आपका खान पीन अच्छा नहीं तो भी आपको दांत की समस्या देखी जाती है। और दोस्तों खासकर ये गर्मी के मौसम में दांत खाज की समस्या देखी जाती है, क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रॉपर बात नहीं ले रहे, ना नहीं रहे, तो आपको दांत खाज की समस्या होती है। दोस्तों आइए आपको ये बता देते कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको दांत की समस्या है। आपको कुछ लक्षण हम बता देते जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। दांत वाली जगह पर दोस्तों खुजली एवं जलन होने लग जाती है। आपको ये लाल चकट्टे के रूप में दिखाई देने लग जाता है। दोस्तों दांत वाले चकट्टे भारी तरफ से किनारों पे लाल होने लग जाते हैं। ये गोल चकट्टे के रूप में होते हैं और ये थोड़े से उभरे हुए होते हैं, ऊपर की साइड उभरे हुए रहते हैं, तो आपको समझ आता है कि आपको दांत की समस्या होती है। और ये लाल होते हैं और आपको पूरे राउंड शेप में इचिंग होती है या खुजली होती है, इसे कुछ लक्षण दिखने लग जाते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि आपको दांत की समस्या हो रही है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं हम कि इस नुस्खे के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता होगी। सबसे पहले दोस्तों आपको एक चम्मच लौंग का तेल चाहिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चम्मच खोपड़े का तेल चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चम्मच एलोवेरा का जेल लेना है। दोस्तों अगर आपके यहाँ एलोवेरा का प्लांट है तो आप वो भी उसमें से अगर डायरेक्ट निकाल के लगाएंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप इसको अच्छे से मिक्स करिए। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कैसा पेस्ट बन गया है। दोस्तों हम आपको बता देते कि आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपको इसको लगाना कैसे। तो आपको यहाँ पे भी खुजली हो रही है, आपको इसको अप्लाई करना है। अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हो तो आप पहले अच्छे से नहा लीजिए, उसके बाद आप इसको अप्लाई कीजिए और आप इसको लगा के छोड़ दीजिए। तो दोस्तों आप इसको अगर मॉर्निंग में कर रहे हो तो आप इसको लगा के 15 से 20 मिनट या आधी घंटा छोड़ेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको दिन में 3 बार लगाना है, फिर अगर आप शाम में या रात में लगा रहे हैं तो दोस्तों आपको जहाँ पे भी आपको खुजली की समस्या हो रही है वहाँ पे पहले अच्छे से उसको क्लीन करें वो एरिया को, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी खुजली की समस्या खत्म करने बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब तक आपको खुजली की समस्या है आपको उस जगह पे साबुन का इस्तेमाल या कुछ भी कॉस्मेटिक चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी खुजली की समस्या को ठीक बिल्कुल भी नहीं होने देगा और उल्टा बढ़ाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमने लौंग का तेल इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, साथ ही साथ नारियल में भी ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ना भूले, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।